सो गाइस फाइनली आपका स्वागत है हमारे डेली क्रिकेट न्यूज के दोस्तों एपिसोड में। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ पांच सबसे बड़ी न्यूज जो कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड से निकल के आ रही है, क्रिकेटिंग फील्ड से निकल के आ रही है। तो दोस्तों मैं उन्हीं पांचों खबरों पर आज नजर डालने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग नजर डालते हैं हेडलाइंस पे, तो दोस्तों जो पांच हेडलाइंस है बड़ी जो कि सामने आ रही है क्रिकेट के वर्ल्ड से दोस्तों वो रहने वाली है। पहला न्यूज है दोस्तों पार्थिव पटेल के बड़े बयान से लेके, और दोस्तों दूसरा न्यूज जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है किंग्स इलेवन पंजाब के ही ऑलराउंडर का सबसे बड़ा दोस्तों जो मुहिम सामने आया है। और दोस्तों तीसरा जो सबसे बड़ा खबर है वो निकल के आ रहा है गौतम गंभीर के दोस्तों T20 कैप्टनसी के बारे में। चौथा खबर निकल के आ रहा है दोस्तों और वो रहने वाला है IPL 2020 का, दोस्तों पूरी तरीके से रास्ता साफ हो चुका है। और पांचवा जो खबर है दोस्तों वो निकल के आ रहा है ICC के ही दोस्तों इस बार जो मीटिंग होने वाली है। तो दोस्तों इन्हीं पांचों खबरों पे बात करने वाले हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं पहले हेडलाइन की, अगर पूरी जांच और पड़ताल कर लेते हैं, पूरे न्यूज को खंगाल लेते हैं। दोस्तों पहला जो पड़ताल था दोस्तों, पहला जो न्यूज हेडलाइन था वो था दोस्तों पार्थिव पटेल के ही बयान से। अब दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं कि आखिर पार्थिव पटेल का क्या बयान था। तो दोस्तों पार्थिव पटेल से एक यूट्यूब चैनल के दौरान पूछा गया था कि उनका क्या मानना है T20 वर्ल्ड कप को लेकर। तो दोस्तों उनके विकेट कीपर तौर पर जो उनके सामने राय आई है वो आई है दोस्तों KL राहुल के ही पक्ष में। वो चाहते हैं कि इस बार जो T20 वर्ल्ड कप हो जो कि छोटा फॉर्मेट हो दोस्तों, उसमें लॉन्ग टर्म के लिए जो दोस्तों सबसे ज़्यादा फायदेमंद जो कि विकेट कीपर हैं वो हैं KL राहुल। और दोस्तों KL राहुल के विकेट कीपिंग के तौर पे पार्थिव पटेल ने ये कहा है कि अगर KL राहुल अगर वर्ल्ड कप में विकेट कीपिंग करते हैं तो भारत को एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाएगा कि उन्हें कहाँ पे क्या खिलाना है। एक एक्स्ट्रा बॉलर ले सकते हैं, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ले सकते हैं, या फिर एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर को खिला सकते हैं। और दोस्तों इसी के पक्ष में बोला है पार्थिव पटेल ने। और दोस्तों जब इनसे पूछा गया कि उनका क्या मानना है ऋषभ पंत के फ्यूचर को लेकर, तो दोस्तों उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब मैं भी 17-18 साल के उम्र में था, और दोस्तों उस समय जब उनका टीम इंडिया में चयन हुआ था, लेकिन दोस्तों उनके फॉर्म की वजह से उन्हें टीम से बाहर निकलना पड़ा। और दोस्तों उनका जो पहला मेन फोकस था वो था दोस्तों इनका डोमेस्टिक क्रिकेट। और दोस्तों वही राय इन्होंने ऋषभ पंत के लिए दिया है कि उनका अभी जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है, क्रिकेटिंग जो करियर है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और उनका ये मानना है कि वो जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और दोस्तों अपने टॉप फॉर्म में लौट के वो फिर से भारतीय टीम में वापसी करें, और दोस्तों इस बार वो दमदार वापसी करें। सो गाइस फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं अब दूसरे बड़े हेडलाइन की जो कि खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, अगर उसकी हम लोग पूरी पड़ताल कर लेते हैं तो दूसरा जो खबर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है दोस्तों किंग्स इलेवन पंजाब के कैंप से। और दोस्तों किंग्स इलेवन पंजाब के ही ऑलराउंडर जो कि इस साल खरीदा था किंग्स इलेवन पंजाब ने, तजिंदर सिंह दोस्तों वो एक मुहिम का हिस्सा बने हैं। और उस मुहिम में उन्होंने जितने भी कोरोना वायरस से जो भी व्यक्ति जा रहे हैं बच के अपने घर के लिए जो जा रहे हैं, जो प्रवासी हैं दोस्तों, उनके मदद करने पर उतर आए हैं। और दोस्तों उन्होंने अभी तक लंच पैकेट्स और दोस्तों वाटर बॉटल्स बांटे हैं, और दोस्तों उन प्रवासियों का ये काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं। और दोस्तों तब से लेके अभी तक इन्होंने 10,000 लोगों की मदद कर चुके हैं। और दोस्तों ये इन्होंने एक टीवी शो के दौरान बताया था कि जब वो इस न्यूज़ को पढ़े थे कि जितने भी प्रवासी हैं भूखे प्यासे अपने घर जाने, तो दोस्तों इन्होंने तुरंत उसी मुहिम का हिस्सा बनने का दोस्तों फैसला लिया था। और दोस्तों इस कदम से अभी तक किंग्स इलेवन पंजाब की जो कैंप है और जो दोस्तों टीम मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। और दोस्तों इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर दोस्तों ये कुछ पोस्ट किया था, और दोस्तों इससे हम लोग को ये पता चलता है कि तजिंदर सिंह दोस्तों कितने बड़े खिलाड़ी हैं। और दोस्तों ये भी इस मुहिम का हिस्सा बन के इनके लिए जितनी भी रिस्पेक्ट है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा अप हो चुकी है। तो गाइस फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं अब तीसरे बड़े खबर की जो कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड से निकल के आ रही है। दोस्तों ये खबर है गौतम गंभीर के रिलेटेड। दोस्तों गौतम गंभीर से जब एक चैट शो के दौरान पूछा गया था कि उनका क्या मानना है, उनका क्या राय है T20 वर्ल्ड कप को लेकर और T20 के कोचेस को लेकर, तो दोस्तों उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो T20 का कोच रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव रहता है, उसको तुरंत ही कोई भी फैसला लेने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो T20 जो रहता है दोस्तों, जो 2020 जो मैचेस रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रहते हैं और कोई भी फैसला बहुत ही जल्द लेना पड़ता है। और दोस्तों इसके लिए जो भी कोच रहे वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसी छोटे छोटे फैसले पे ही मैच जीते जाते हैं, ये गौतम गंभीर का राय था। और दोस्तों जब उनसे पूछा गया कि आपका क्या मानना है, क्या आप कोच बनने के लिए राजी हो सकते हैं आगे आने वाले समय में, तो दोस्तों गौतम गंभीर ने कहा है कि अभी वो अपने जो लाइफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन दोस्तों जब उन्हें टीम इंडिया की जरूरत पड़ेगी या फिर जब भी उन्हें कोचेस की जरूरत पड़ेगी तो वो जरूर उनका समर्थन करेंगे और दोस्तों साफ साफ सामने निकल के आएंगे। यानी दोस्तों इससे गौतम
गंभीर ने साफ साफ बता दिया है कि उनका जो अभी फिलहाल जो करियर चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है, लेकिन दोस्तों जब उन्हें टीम इंडिया की जरूरत पड़ेगी या फिर टीम इंडिया को जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो काफ़ी ज़्यादा आगे आके चढ़ बढ़ के दोस्तों अपना हिस्सा लेने वाले हैं। यानी दोस्तों इससे साफ साफ पता चलता है कि गौतम गंभीर भी आगे आने वाले समय में हो सकता है कि कोच की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं अब चौथे बड़े अपडेट की जो कि दोस्तों क्रिकेटिंग वर्ल्ड से निकल के आ रही है। और दोस्तों ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है दोस्तों सभी क्रिकेट लवर्स के लिए। और दोस्तों ये न्यूज़ निकल के आ रही है आईपीएल 2020 से। हाँ दोस्तों आईपीएल 2020 के लिए सबसे बड़ी खबर अभी तक निकल के आ गई है। और दोस्तों ये खबर है IPL 2020 को लेकर। हाँ दोस्तों IPL 2020 के दोस्तों डेट है वो BCCI ने फाइनली रिवील कर दिया है, विंडो बता दिया। और दोस्तों ये विंडो है 25 सितंबर से लेकर दोस्तों 1 नवंबर के बीच में। और BCCI ने इससे साफ साफ कह दिया है यानी नोट डाउन करवाया है कि अगर पूरी तरीके से हालात काबू में रहते हैं, जो कि लग रहा है कि सितंबर तक दोस्तों हालात काबू में आ सकते हैं खासकर इंडिया में, तो ऐसा हो सकता है कि 25 सितंबर से लेकर दोस्तों 1 नवंबर के बीच में ये जो विंडो BCCI ने चूज किया है IPL 2020 के लिए, इसी के बीच में IPL 2020 हमें देखने को मिल सकता है। और दोस्तों ये अब तक की क्रिकेटिंग वर्ल्ड की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों जो कि निकल के सामने आ रही है। सो गाइस फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं पांचवें बड़े अपडेट की, पांचवें बड़े न्यूज की जो कि दोस्तों क्रिकेटिंग वर्ल्ड से निकल के आ रही है। दोस्तों ये न्यूज है ICC के ही होने वाली गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग जो कि दोस्तों 28 मई को होने वाली है। दोस्तों इससे काफी बड़े बड़े हमें न्यूज निकल के सामने आ रहे हैं। और दोस्तों इसमें ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट में काफी बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस इफेक्ट की वजह से ऐसे काफी बड़े बड़े जो दोस्तों पैमाने के दोस्तों जो बदलाव है वो हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि दोस्तों सभी बोर्ड की तरफ से लिए जा सकते हैं। अब गाइस ये थे वो पांचवें न्यूज जो कि ICC गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग से निकल के आ सकती है। तो दोस्तों ये थे वो पांच बड़े न्यूज हेडलाइन जो कि दोस्तों सामने निकल के आ रहे हैं। अब दोस्तों फाइनली आप बताइए कि आपके लिए वो कौन सी न्यूज थी जो कि काफी बड़ी थी दोस्तों क्रिकेट में। अब दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों चैनल भी पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा। तो चलिए गाइस इसका वीडियो खत्म करते हैं, आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ।